वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। वाराणसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों ने दिया इस्तीफा। सीएमओ ऑफिस पहुंच सीएससी और पीएससी सेंटर के प्रभारियों का इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे के बाद हड़कंप मच गया है। वाराणसी से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे के बाद हड़कंप मच गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को मनाने में जुटे अधिकारी। जानकारी के मुताबिक जीएम पर मानसिक उत्पीड़न का लगा रहे हैं आरोप। डिप्टी सीएमओ की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वाराणसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया। सीएमओ ऑफिस पहुंच सीएससी पीएससी के प्रभारियों का इस्तीफा। स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे के बाद मचा है हड़कंप। बड़ी खबर आपको हम वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। वाराणसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों ने दिया है इस्तीफा। सीएमओ ऑफिस पहुंचकर सीएससी पीएचसी के प्रभारियों का इस्तीफा। स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे के बाद हड़कंप मच गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कैफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कैफ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया, क्या कुछ है, पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए कल एडिशनल सीएमओ के मौत के का मामला थमा देने था, कि उसके बाद से 28 स्वास्थ्य प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे प्रांतिक से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया था। बता दें आपको कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में लगे जिले के स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों ने अचानक जब इस्तीफा दिया तो पूरे महकमे में खलबली मच गई। लेकिन इनके इस्तीफे को सीएमओ ने स्वीकार नहीं किया है और 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, जिसमें ग्रामीण और स्वास्थ्य सभी चिकित्सा अधिकारी शामिल थे। इन्होंने आरोप लगाया था जिलाधिकारी और एसडीएम पे की मानसिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है और अनावश्यक हम लोग पर कार्रवाई करने दबाव डाला जा रहा है, इसे लेकर ये सारे नाराज थे। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। जी मोहम्मद कैफ, डीएम के ऊपर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है, कि डीएम की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? अभी जिलाधिकारी की तरफ से कोई प्रक्रिया तो नहीं आई, लेकिन कल जिलाधिकारी ने एक नया कोई नियम लागू किया था, जिसके बाद से सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने लौटने का फैसला तो लिया था, लेकिन अभी ये पूरा बात स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी फिलहाल इन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनको समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है? देखिए हम कल से ही हम लोग अधिकारियों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पूरी बात तो अधिकारियों की यही है कि जब उनके सीयूजीन नंबर पे फोन किया जाता है तो ना तो उनका सीयूजीन नंबर उठता है और ना ही वहां से कोई बैक कॉल आता है कि क्यों कॉल किया जा रहा है, या फिर यह युगल है कि अधिकारी मीडिया की बातों सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो वाराणसी से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। देवरिया जिले के बरहेस